एक नेक आदमी शादी के बाद बीवी को लेकर अपने घर लौट रहा था कि रास्ते में समंदर अबूर करना पड़ा। आदमी ने एक कश्ती का इंतजाम किया और वो दोनों समंदर अबूर करने लगे। कश्ती बीच समंदर पहुंची ही थी कि समंदर में तूफान आ गया। इस सूरत हाल में बीवी का खौफ से बुरा हाल हो गया, लेकिन आदमी ऐसे इत्मीनान से बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर बीवी को हैरत हुई, वो गुस्से से चिल्ला उठी, आपको नजर नहीं आ रहा तूफान कश्ती को डबोने लगा है, हमारी मौत सर पर है और आप इत्मीनान से बैठे हैं। ये सुनते ही खावन ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और बीवी की शहरख पर रख दी। बीवी हंस पड़ी और बोली, ये कैसा मजाक है। खावन ने पूछा, क्या आप अभी भी मौत से खौफ ज़दा नहीं हो रही। ये सुनकर बीवी बोली, मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर एतमाद है, ये तलवार आपके हाथ में है तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुनकर खावन बोला, जैसे आपको मेरी मोहब्बत पर एतमाद है वैसे ही मुझे अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन है और ये तूफान भी अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे तो इसे रोक ले, चाहे तो हमारी कश्ती डबो कर भी हमें बचा ले। अपने रब पर पुख्ता यकीन रखें, अगर आपकी कश्ती डगमगा भी जाए तो यकीन रखें इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत है। याद रखें, अल्लाह जो भी फैसला करे वो हमारे हक में बेहतरीन है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।